सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो है हम कुछ वेट गेन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत लोग अपने वेट गेन फेज के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से या तो एक अच्छा वेट गेन नहीं कर पाते या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट गेन कर लेते हैं। तो आज उन्हीं कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं, और अगर आप इन मिस्टेक्स को करते हैं तो इन्हें कम्प्लीटली अवॉइड करें। सो जो सबसे पहली मिस्टेक है जो कि लोग अपने वेट गेन फेज के दौरान करते हैं, वो है नॉट ईटिंग इनफ कैलोरीज। अगर हम वेट गेन की बात करें तो उसका जो है एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, जो कि है कैलोरीज इन शुड बी ग्रेटर देन कैलोरीज आउट। यानी कि जो आपका कैलोरीज इनटेक हो रहा है, जो भी आप कैलोरीज ले रहे हैं अपने फूड सोर्सेज से, चाहे वो रोटी हो गया, चावल हो गया, या किसी भी फूड सोर्स से जो आप कैलोरीज ले रहे हैं, वो ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरेटिवली जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अगर हम वेट गेन की बात करें तो वेट गेन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है वो होती है स्किनी गाइज। उसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि उनका जो मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से जो वो कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं वो बहुत जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और जो दूसरा रीज़न है कि वो प्रॉपर इनटेक नहीं कर रहे होते कैलोरीज का, जितना कैलोरीज उन्हें रिक्वायर्ड होता है वेट गेन करने के लिए। स्किनी गाइस के केस में क्या होता है कि उन्हें भूख जो है बहुत कम लगती है, लेकिन अगर हम वेट गेन की बात करें तो उसके लिए जो है कैलोरीज इनटेक उन्हें जो है हाई रखना होता है, जिसकी वजह से उन्हें तब भी खाना खाना होता है जब उन्हें भूख भी नहीं लग रही होती, और इसलिए जो है उन्हें अपने वेट गेन फेज के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही होती है। लेकिन अगर हम वेट गेन की बात करें तो उसका यही एक प्रिंसिपल है कि आपको जो कैलोरीज इनटेक है उसे हाई रखना है, और इसलिए अगर आपको भूख नहीं भी लग रही होगी आपको तब भी कैलोरीज कंज्यूम करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट गेन हो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 हैवी मील्स कंज्यूम करने की जगह हम 4 to 5 शॉर्ट मील्स या फिर स्मॉल मील्स कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें जो है हम मीडियम कैलोरीज रखेंगे ताकि जो हमारा कैलोरी इनटेक है वो फुलफिल हो सके। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि सॉलिड मील्स की जगह आप लिक्विड मील्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मास गेनर शेक्स हो गया, क्योंकि ये जो है बहुत ईजिली आप कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है ये आपकी बॉडीज में अच्छे से डाइजेस्ट हो और आपकी हेल्प करेगी आपकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में। तो इस तरीके से जो है आप इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखें कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरीज इनटेक हाई रखना पड़ेगा। अगर आपका कैलोरीज इनटेक जो हाई नहीं हुआ और आपने रिक्वायर्ड कैलोरीज नहीं खाई तो आपका वेट गेन नहीं होगा। जो दूसरी मिस्टेक जो कि लोग अपने वेट गेन फेज के दौरान करते हैं वो है स्किपिंग वर्कआउट। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपका कैलोरीज इनटेक जो है वो हाई होना चाहिए इन कंपैरेटिवली जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि वो कैलोरीज इनटेक को मॉडरेट रखेंगे और कम से कम कैलोरीज बर्न करेंगे ताकि उनको जो है एक अच्छा वेट गेन हो सके। ये जो है बहुत पुअर टेक्निक होती है वेट गेन करने की, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग जो है पूरा टाइम बेड पे लेटे रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते और अपने मील्स को कंज्यूम करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वो कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं वो उनकी बॉडी में स्टोर रहता है, और लॉन्ग टर्म में एक वेट गेन होने की जगह उनकी बॉडी में जो है फैट गेन हो चुका होता है। तो ये टेक्निक को आप कभी भी फॉलो ना करें। आप हमेशा अपना कैलोरी इनटेक को जो है हाई रखें और उन कैलोरीज को जो आपने कंज्यूम करी है उसको यूज़ करें वर्कआउट के दौरान, ताकि आप जो है वर्कआउट में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें और लॉन्ग टर्म में जो आपका फैट गेन होने की जगह एक अच्छे अमाउंट में मसल गेन हो। साथ ही साथ रेगुलर वर्कआउट करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है फिजिकली एक्टिव रहेगी और आपका जो फिटनेस लेवल है वो भी इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। सो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि आपको अगर वेट गेन करना है तो आप कम से कम कैलोरीज बर्न करेंगे, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेंगे या फिर वर्कआउट नहीं करेंगे और उससे जो है आपको एक अच्छा अमाउंट में वेट गेन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो कैलोरीज जो है लॉन्ग टर्म में जाके आपका फैट गेन करेगी, आपका वेट गेन नहीं करेगी। तो इसलिए जो है आप कभी भी वर्कआउट स्किप ना करें। सो अगर हम मिस्टेक नंबर 3 की बात करें वो है कंज्यूमिंग जंक फूड। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको वेट गेन करने के लिए आपका कैलोरी इनटेक जो है हाई होना चाहिए इन कंपैरेटिवली जो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि वो जो अपनी कैलोरी इनटेक है उसको जंक फूड से कंप्लीट करें, यानी कि जो उनकी डेली रिक्वायर्ड कैलोरीज है वो अनहेल्दी फूड सोर्सेज या फिर जंक फूड से जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि उनको वो फेवरेट अपना जंक फूड भी खा पाएंगे, साथ ही साथ उनका डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा और उनका जो है एक अच्छा अमाउंट में वेट गेन होगा। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक नहीं है वेट गेन करने की, क्योंकि अगर हम जंक फूड्स की बात करें तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग से बनाया जाता है, साथ ही साथ उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट्स होते हैं और शुगर्स होती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और जो न्यूट्रिएंट्स एक्वायर्ड होते हैं जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन्स, मिनरल्स हो गया, उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होते, और इसलिए जो है वो एक तरीके से बैड कैलोरीज होती है, और इसलिए उनको कंज्यूम करने से आपको लॉन्ग टर्म में जो है हेल्दी वेट गेन की जगह बहुत ज़्यादा फैट गेन होगा।
लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप जो है जंक फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप जंक फूड को कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे तो आप एक हेल्दी रूटीन नहीं बना पाएंगे, यानी कि आप एक हेल्दी डाइट को जो है लॉन्ग टर्म तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए जो है वीक में एक बार जो है जंक फूड को इंक्लूड करें, और 90% ऑफ द टाइम जो है अपनी जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट है या फिर जो डेली कैलोरीज रिक्वायर्ड है आपको, वो हेल्दी फूड सोर्सेज जैसे कि पटैटो हो गया या फिर राइस हो गया या फिर रोटी हो गया, उनसे फुलफिल करने की कोशिश करें। जंक फूड को जो है मिनिमम अमाउंट में कंज्यूम करें अगर आप एक अच्छे और एक हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं तो। सो अगर हम मिस्टेक नंबर 4 की बात करें जो कि लोग अपने वेट गेन फेज के दौरान करते हैं, वो है गिविंग अप अर्ली। अगर हम फिटनेस की बात करें तो यहाँ पे चाहे आपका कोई भी गोल हो, मसल गेन हो, वेट गेन हो या वेट लूज हो, हर गोल को अचीव करने के लिए जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। अगर हम वेट गेन की बात करें तो एक अच्छे अमाउंट में और एक हेल्दी वेट गेन करने के लिए जो है आपको कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे। बहुत से लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन होता है कि वो 2 से 3 दिन अच्छी कैलोरीज खा लेंगे तो उनका जो है एक अच्छा वेट गेन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन से कंसिस्टेंटली एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना होगा, जो कि आपकी जो कैलोरीज रिक्वायर्ड है उनको फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेगा, और आपको जो है मिनिमम अमाउंट में जंक फूड कंज्यूम करना होगा। अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से नहीं चल रहे हैं, जैसे कि कभी आपने 2000 कैलोरीज खा ली, कभी आपने 500 कैलोरीज कम खा ली, या कभी 500 कैलोरीज ज़्यादा खा ली, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको जो है वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि आप डिजर्व करते हैं। एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी और प्रॉपर डिसिप्लिन की हेल्प से जो है आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि अगर आपको एक वेट गेन करना है तो आपको जो है एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना है और प्रॉपर डिसिप्लिन से फॉलो करना है, और जल्दी गिव अप नहीं करना है। सो मैं होप करता हूँ कि आपको जो है मिस्टेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल गई होगी। अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक करते हैं तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे आप जो है वीडियो देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त नमस्ते देवा, चलता हूँ, टेक केयर।